हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आर आर बी एंड नेक्स्ट नॉर सेट की प्रेपरेशन सो so, जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बिकॉज ऑलरेडी फोर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी क्वेश्चन हम कर चुके हैं फोर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी वन क्वेश्चन करने जा रहे हैं रेगुलरली ट्वेल्व थर्टी जो है वीडियो आती है तो बने रहो इस चैनल पर एंड आपने प्रीलिम्स का बैचेस का रिज़ल्ट बहुत अच्छे से देख लिया है कि बच्चे कितने अच्छे नंबर से जो है प्रीलिम्स क्लियर किया है सो so अगर आप भी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं आर के लिए दो बैचेज़ हैं एक है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है मेरे पास थ्यूरी बैच दोनों ही बैचज़ जो हैं उनके प्राइजेज़ जो हैं उन पर ऑफर चल रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो है वो हो चुका है वन का और जो थ्यूरी बैच की फ़ीस है वो हो चुकी है टू टू डबल नाइन सो इन ऑफर्स पे आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो बैचेज में डिफरेंस ये है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे एम क्लासेस रहेंगी टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे और थ्यूरी बैच उन बच्चों के लिए जिनको अभी बेसिक से स्टार्ट करना है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी इसमें रहेगी हर एक सब्जेक्ट की थ्यूरी रहेगी इम्पॉटेंट टॉपिक्स रहेंगे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट एम सी क्यू क्लासेज रहेंगी टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेज प्रीवियस ईयर पेपर तो कोई भी बात जो है आप इस नंबर से मेरे से बात करके कॉल करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डीले और डीले मत कीजिए ठीक है अगर आपको पता है ना कि जो एग्ज़ाम है वो जल्दी आ जाएगा तो इससे अच्छा है कि आप आज ही शुरू कर दो अपनी प्रेपरेशन करना ठीक है सो टेस्ट सीरीज़ भी आपकी रेगुलरली इसमें होती रहेंगी डाउट क्लासेज होंगी सब कुछ आपको मिलने वाला है एंड अगर आपको नॉर्थ सेट एट के लिए भी जुड़ना है अभी से तो आप जुड़ सकते हो उसकी ओपन हो चुकी है उसकी फीस रहेगी, रहेगी थ्री फाइव डबल नाइन तो आप फटाफट से नॉर्सेट एट के लिए भी मेरे साथ जुड़ सकते हो सो so, चलते हम अपने क्वेश्चन पे एंड नॉन नर्सिंग के सारी चीजें आपको इसमें करवाई जाएंगी सो नॉन नर्सिंग की भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है सो so, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अमंग द फॉलोइंग गिव्स फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लीडिंग तो इनमें से क्या चीज फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन देती है जब किसी पर्सन को ब्लीडिंग होती है सो so, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोथ्रॉम्बिन पीटीटी या फिर प्लेटलेट्स तो देखो जब भी किसी को ब्लीडिंग होती है तो सबसे पहले वहां पे क्या स्टार्ट होता है क्या स्टार्ट होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन ठीक है सो so, वहाँ पे प्लेटलेट्स जो है एग्रीगेट होने स्टार्ट होते हैं मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वेन है ठीक है आपकी ठीक है यहाँ पे क्या हो गई है पेशेंट को इंजरी हो गई है सो मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जितने भी प्लेटलेट्स हैं ठीक है जितने भी प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पे आके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे ताकि क्या हो जाए यहाँ पे फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए क्या हो जाए ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए सो so, इसी लिए हम कहते हैं ना कि जो प्लेटलेट्स हैं अगर वो कम हो जाए तो ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो जाते हैं ज़्यादा हो जाते हैं सो so, जब भी किसी को ब्लीडिंग होती है तो उसका क्लॉट बनना मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करें और वो हमारी बॉडी खुद किससे करवाती है प्लेटलेट्स से करवाती है तो so, सबसे पहला होता है कि ब्लीडिंग स्टॉपेज और ये फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन होता है टुवर्ड्स द ब्लीडिंग और वो कौन करते हैं सो so, वो करते हैं हमारे प्लेटलेट जो है एग्रीगेट होके यहां पे इकट्ठा एक ठीक है ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं और आपने देखा जब भी ब्लीडिंग होती है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है इज जस्ट वो इन्फ्लेम्ड हो रखा होता है एरिया वहाँ पे एग्रीगेशन हो जाती है प्लेटलेट्स की जो कि वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन कर देते हैं जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है ठीक है सो so, सबसे पहला लाइन ऑफ प्रोटेक्शन जो है तो या मैं लिख देती हूँ इंजर्ड वेन ठीक है ताकि आपको अच्छे से आप अपनी कॉपी पर भी इसको बना लो ताकि आपको क्लियर हो जाए ठीक है ना सो इसीलिए सो सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है आपका प्लेटलेट्स क्लियर नेक्स्ट पे चलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वर्क कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर हाउ मच पॉपुलेशन इन अ हिली एरिया तो हिली एरिया में सी एच सी फर्स्ट रेफरल यूनिट जिसको आप बोलते हो कितना पॉपुलेशन कवर करती है सो आपके पास ऑप्शन देख लेते हैं पहले एटी थाउजेंड टेन थाउजेंड वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो देखो सी एच सी जो है इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट भी बोला जाता है सबसे पहले तो सो so, हिली एरिया में जो ये है ये एटी थाउजेंड पॉपुलेशन कवर करती है और अगर प्लेन एरिया है तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड पॉपुलेशन कवर करता है सो so, हमेशा याद रखना एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है हिली एरिया में एट्टी थाउजेंड एंड प्लेन एरिया में वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड पॉपुलेशन जो है वो कवर करता है और इससे क्वेश्चन आ सकता है आपको ठीक है सो नेक्स्ट है विच स्टेन इज यूज इन आइडेंटिफाइड एसिड फास्ट बेसिलाई तो ए एफ बी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा स्टेन यूज होता है ज़ीलनेस जील निशान देन ग्राम्स या फिर राइट right. सो so, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ज़ील निशान जो है वो यूज़ होता है ए एफ बी एसटफास्ट बेसिलई जो कि ट्यूबो क्लोसिस के लिए आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हो उसका जो बैक्टीरिया है उसको स्टेन करने के लिए क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है ना उसके ऊपर स्टेन आ जाता है तो वो प्रॉपरली दिखता है सो so, वो स्टेन कौन सा यूज़ होता है नी झील निसान ठीक है नीलसान नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द प्राइमरी हेल्थ प्रिवेंशन एक्सेप्ट तो ये सारे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंडर आते हैं बट इनमें से एक नहीं आता वेयरिंग द आई ग्लासेस हेलमेट वैक्सीन या फिर कॉन्ट्रासेप्शन तो देख रो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होती है कि आपने रिस्क फैक्टर्स को ही बंद करना है मतलब रिस्क फैक्टर्स से डिसीज कंडीशन नहीं होने देनी ठीक है सो so, देखो हेलमेट तो हम इसीलिए डालते हैं ताकि हमें इंजरी ना हो सो इट्स ऑल्सो अ प्राइमरी प्रिवेंशन वैक्सीन भी इसीलिए हम अर्ली वैक्सीनेशन होती हैं जो आपको इम्यूनाइजेशन स्कड्यूल है वो इसीलिए होता है ताकि वो रिस्क कम हो जाए ठीक है और कॉन्ट्रासेप सेप्शन भी रिस्क के लिए ही यूज किया जाता है बट जो ये वियरिंग आई ग्लासेस है इट्स अ टर्शरी क्यों हम इसको टर्शरी कहेंगे क्योंकि जो आई ग्लासेस है आई के ग्लासेस का है इन्होंने मतलब कि जो आप नंबर वाले ग्लासेस यूज़ करते हो ठीक है अगर किसी की फार साइटेडनेस है नियर साइटेडनेस है तो उसके लिए जो ग्लासेस यूज़ होते हैं कॉन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस वो जो लेंसेज है वो टर्शरी प्रिवेंशन है बिकॉज ऑलरेडी आई जो है डैमेज हो गई है उसका और डैमेज ना हो जाए इसके लिए आप आई ग्लासेस जो है वो यूज़ करते हो सो इट्स अ टाइप ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन ये आपके प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में नहीं आती बच्चे नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग फाइंडिंग कुड बी एबनॉर्मल इन पोस्ट पार्टन सो इनमें से कौन सी फॉलोइंग हैल टेम्परेचर ऑफ वन जीरो फानहीट सो देखो सबसे इंपॉर्टेंटली पोस्ट पार्टम वन में अगर उसका ओरल टेम्परेचर वन जीरो वन डिग्री फान हीट आ रहा है तो ये हमें दिखा रहा है प्यूपिरल सेप्सिस की तरह इशारा कर रहा है कि मदर को पोस्ट पार्टम सेप्सिस हो गया है मदर को इंफेक्शन हो गया है और इसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज इससे मदर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है क्लियर सो so, ये जो है एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे अगर आपको अच्छे से स्टडीज़ करनी है मेरे साथ तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही कोई भी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे ये जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो है वो है वन थ्री डबल नाइन का जो कि फुली रहने वाला है आपका सिक्सटी डेज का बैच जिसपे हम हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे प्लस साथ में एम सी क्यू क्लासेस टेसरीज डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर आपको करवाए जाएंगे जो थ्यूरी बैच है वो उन बच्चों के लिए है जिनको ए से लेकर जेड तक क्विक रिवीजन करनी है सारे सब्जेक्ट्स की सो so, ये सिर्फ बैच का है जिसमें हम बेसिक सबसे पहले एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को फटाफट से रीड करेंगे विद मेडिकल सर्जिकल एंड थ्योरी रहेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक एम सी क्यूज सीरीज डाउट क्लासेज इन प्रीवियस ईयर पेपर सो मेरे से बात करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है लाइव भी मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी एंड अगर आपको नॉर्थ सेट एट के लिए जुड़ना है जैसे कि बहुत से बच्चे नॉर्थ सेट एट के लिए आ रहे हैं क्योंकि उनके इनको प्री के बहुत अच्छे जो हैं रिजल्ट्स मिले हैं सो फोर मंथ्स का एंड सिक्स मंथ्स का ऑल इन वन इसमें हर हर एक चीज़ इंक्लूडेड है फोर मंथ्स का बैच टू ट्रिपल नाइन में एंड सिक्स मंथ्स का बैच थ्री फाइव डबल नाइन में आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो मेरे से बात करके सो so, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे न फोर टू सिक्स क्वेश्चन है द नर्स केयरिंग फॉर एन इन फैंट डेमोस्ट्रेटिंग डायरिया वोटर द इन फॉर विच अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन तो आप इन की केयर कर रहे हो उसको डायरिया है तो इनमें से क्या चीज़ मॉनिटर करोगे जो कि डिहाइड्रेशन का अर्ली साइन है कूल एक्सट्रीमिटीज गे मोल्टेड स्किन कैपिलरी रिफिल ऑफ थ्री सेकेंड एपिकल पल्स रेट ऑफ वन एटी बीट्स पर मिनट सो दिस इज द टेकी कार्डिया टेकी कार्डिया जो है अर्ली साइन है बिकॉज डिहाइड्रेशन हो रखी है सो जो हार्ट है वो कम्पन मैकेनिज्म कर रहा है मतलब बहुत जोर से धड़क रहा है ताकि वो पूरी बॉडी को जो ब्लड है और फ्लूड है वो प्रॉपरली दे दिस इज एन अर्ली है पेशेंट so, uh, so, को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी रिमूव पिल्लो फ्रॉम फ्रॉम अंडर द हेड एलिवेट दिलीवेट द फुट ऑफ द बेड टेक ब्लड प्रेशर सो इट्स बेड सो सो इट्स एलिवेट द हेड ऑफ़ द बेड ऐसा क्यों क्योंकि फाउलर्स पोजिशन से लंग एक्सपेंशन बहुत अच्छे से होता है और जो पेशेंट है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी ठीक है सो एलिवेटिंग द हेड ऑफ़ द बेड इज़ अ बेस्ट बेस्ट पोजिशन यू कैन गिव एंड द बेस्ट इंटरवेंशन जो कि आप सबसे पहले कर सकते हो इन द पेशेंट नेक्स्ट द पेशेंट हैज़ आई वी फ्लूइड इनफ्यूजिंग इन द राइट आर्म वेन टेकिंग ब्लड प्रेशर ऑन दिस पेशेंट वॉट वुड द नर्स डू इन दिस सिचुएशन तो जब आप पेशेंट के आईवी वी फ्लूड जो है आपने राइट right आर्म पे इन्फ्यूज़ किया है तो अब आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर ले रहे हो तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे टेक द ब्लड प्रेशर इन द राइट टेक द बीपी इन द लेफ्ट यूज द स्मॉल पॉसिबल काफ रिपोर्ट इन एबिलिटी टू टेक द ब्लड प्रेशर नो पेशेंट की दो आर्म्स होती हैं राइट एंड लेफ्ट तो आप इधर क्या कर सकते हो लेफ्ट आर्म से सिंपल है ब्लड प्रेशर ले लो तो ब्लड प्रेशर इन द लेफ्ट आर्म से आप आराम से ले सकते हो नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ब्लू कलर पाइपलाइंस इन ऑपरेटिंग थिएटर इज यूज टू डिलीवर तो जो ब्लू कलर की पाइपलाइन होती है अगर आपने ओटी में काम किया है तो वो किस चीज को डिलीवर करने के लिए होती है ऑक्सीजन मेडिकल एयर वैक्यूम या फिर नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्साइड सो सो ऑब्वियसली इट्स अ ठीक है है so भाई ये क्वेश्चन बहुत ही बट देखती हूं क्लियर कर पाता है और जो बैचेज में बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा लंग साउंड एंड पेन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इज अ क्लिनिकल सिम्टम ऑफ ठीक है बहुत अच्छे से मैंने ये क्लासेज में समझाया है आप लोगों को कि जब लंग साउंड डिमेनेज हो जाती है और सांस लेते टाइम मतलब जब आप इंस्पीरेशन कर रहे हो उस टाइम पेशेंट को पेन होती है तो ये किसका साइन है हीमोथोरिक्स नीमोथोरिक्स पायोथोरिक्स या फिर तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या रहेगा इसका आंसर सो so, जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कॉज है मेन सो so, बहुत से बच्चों ने गलत आंसर दिया है वैसे रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो सबसे पहला कॉज होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नोज़ ब्लॉक हो गया अगर आपके ब्रिक्योस्पाजम हो गया ठीक है और ये ज्यादातर हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में देखने को मिलता है जो कि बहुत कॉमनली फ्लू वगैरह पेशेंट्स को होता है सो so, ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का जो हाइपर है नॉर्मली किसी पेशेंट को नहीं होती इवन दाओ कि अगर वो एंगजाइटी में है ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए पर फ्लूज इन दिस ये वेदर चेंज के साथ से जल्दी हो जाते हैं जिससे रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बहुत इजिली पेशेंट को हो जाता है ठीक है सो क्वेश्चन को कंसेप्ट को क्लियर करो ताकि आपके क्वेश्चन सही रहे सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो share and subscribe को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप मेरे से आज ही बात करके कॉल करके मैसेज करके इस नंबर पर बैच ज्वाइन कर सकते हो एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एक है थ्यूरी बैच दोनों की जो फीस रहेगी एक की फीस रहेगी वन थ्री डबल नाइन और एक की फीस रहेगी टू टू डबल नाइन दोनों ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो अदरवाइज आप ये क्विक जो है रिविजन वाला बैच जो है हमारा थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हो नॉर्से टेट के लिए भी इनरोलमेंट ओपन हो गई है सो फटाफट से आप जुड़ सकते हैं सो मिलती नेक्स्ट वीडियो में टिल देन डू हार्ड वर्क मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट इन बी रेडी बाय ट्वेल्व थर्टी